हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेवी ट्यूटोरियल। डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने आपको बताया हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है और कौन कौन से तरीके होते हैं इमेजेस फॉर्म करने के, और कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात की थी। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो पहली बात तो सबसे पहले यही कर लेते हैं कि सर ये मिरर बनते कैसे हैं और कौन से तरीके से हम बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर हेडिंग डाल लीजिए, स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं स्टूडेंट? इफ यू हैव अ स्फीयर, स्फेरिकल मिरर से हमको इतनी तो बात समझ में आ रही है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, स्फीयर होना चाहिए। स्फीयर आप लोग समझते हो, एक गोला होना चाहिए, लेकिन किसका होना चाहिए? ग्लास का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास का होना चाहिए। इफ वी हैव आई स्फीयर ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे हमने ये एक स्फीयर बना लिया, ओके और हम क्या करें इसमें से एक पार्ट को कट करके अलग कर लें, ठीक है? जैसे मान लो मैंने यहां से इसको ऐसे कट कर दिया, तो मेरे पास में कौन सा पार्ट बचा? ये वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया कट करके, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में ये पार्ट बचा, ठीक है? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ये, ठीक है? अगर इधर से कट किया होता तो ये वाला पार्ट बचता, इधर से कट किया होता तो मेरे पास में कौन सा पार्ट बच जाता? ये पार्ट बचता, ओके? अब हम क्या करने वाले हैं, मिरर बनाने, हम जानते हैं अभी तो ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट जाएगी और सीधी बाहर निकल जाएगी। रिफ्लेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉलिश करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ, इसके बाहर वाले पार्ट पर पॉलिश कर देता हूँ। अब जब बाहर वाले पार्ट पर पॉलिश किया है तो लाइट क्या होगी, लाइट ऐसे आएगी और अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है? लाइट जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है? क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। आप लिख भी सकते हो इफ द रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाती है तो आप कहेंगे इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम बेंट इन पार्ट। बेंट इन का मतलब होता है मुड़ा हुआ, या फिर आप सिंपल ऐसे बोल दीजिए कॉनकेव का मतलब ध्यान रखें मुड़ा हुआ। इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम कॉनकेव पार्ट देन दैट टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ओके? और अगर हम पॉलिश अंदर वाले पार्ट पे करेंगे, ठीक है? अब पॉलिश हमने अंदर वाले पार्ट पर किया है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? रिफ्लेक्शन बाहर वाले पार्ट से होगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से हो रहा है क्योंकि पॉलिश बाहर वाले पार्ट पर है, यहाँ पर हमने पॉलिश अंदर वाले पार्ट पर की हुई है तो रिफ्लेक्शन बाहर वाले पार्ट से होगा। इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ओके? सबसे पहले आप लोग यही बात क्लियर रखो कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। यहाँ पर कैसे बोलेंगे सर? कॉन्वेक्स का मतलब होता है बल्जिंग आउट। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है? बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट का मतलब उभरा हुआ, देखो ये थोड़ा सा उभरा हुआ है ना, इसलिए हम इस मिरर को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, याद कर लो, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ द मिरर देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। आपने स्पून देखी होगी, स्पून चम्मच जो होती है कुछ इस तरह से होती है ना, है टेने 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 मत करना। अगर रिफ्लेक्शन आप चम्मच को ऐसे रख रहे हो, चम्मच में भी आपको इमेज दिखती है, ध्यान रखना, नहीं देखी हो तो कभी देखिएगा। अगर रिफ्लेक्शन आप ऐसे देख रहे हो तो चम्मच किसका काम कर रही है? कॉनकेव मिरर का काम कर रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से हो रहा होगा। और अगर आप स्पून को ऐसे रख के देखोगे तो स्पून क्या काम करेगी? कॉन्वेक्स मिरर का काम करेगी, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? बल्जिंग आउट पार्ट से होगा। तो सबसे पहले आप लोग यही ध्यान रखें कि कॉनकेव मिरर कौन सा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है। और मिरर की डेफिनेशन कोई पूछे तो आप मिरर की डेफिनेशन बता देना कि स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, जो बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती है।